लॉकडाउन के दौरान 26 मार्च को राहत पैकेज का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा था कि इस मुश्किल वक्त में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। इसके लिए पीएम गरीब अन्न योजना का ऐलान किया गया था, लेकिन क्या वाकई में इस ऐलान के बाद गरीबों के घरों में राशन और थाली में खाना पहुंच पाया है? देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, मेकिंग श्योर दैट नॉट वन गरीब रिमेन्स विदाउट फूड। गरीबों को निशुल्क राशन देने का ये ऐलान लॉकडाउन के दौरान लोगों को भुखमरी से बचाने के लिए है। इसके तहत पीडीएस के सामान्य आवंटन के अलावा हर व्यक्ति को 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो दाल निशुल्क दी जानी है। लेकिन इसी दौरान उत्तर प्रदेश के हरदोई के लोग राशन कार्ड से नाम काटे जाने की शिकायत कर रहे हैं। सुनिए इस बारे में अधिकारी क्या कहते हैं। राशन कार्डों में जिन लोगों के आधार डुप्लीकेट थे, पता लगा कि एक जिले में यहाँ भी लगाए थे उनके आधार कार्ड और दूसरे जिले में भी लगाए थे, तो एक जगह से उनको डिलीट कर दिया गया है, जिस वजह से हमारी यूनिट की संख्या घट गई है। ये तो रही एक जिले की बात जहाँ लाभार्थियों की संख्या लगभग 76,000 तक घटा दी गई है। अब अगर पूरे देश में लागू खाद्य सुरक्षा कानून की बात करें तो कई गरीब और जरूरतमंद इसके दायरे से बाहर हैं। दरअसल 80 करोड़ वाली पीडीएस लाभार्थियों की सूची को 2013 से 2016 के बीच अंतिम रूप दिया गया, लेकिन तकरीबन 4 साल से इस लिस्ट को अपडेट नहीं किया गया है। यानी इस दौरान आबादी और जरूरतमंद तो बढ़े, लेकिन वो खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में नहीं आ पाए। यही वजह है कि लॉकडाउन के बाद से ही तमाम सामाजिक कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि इस मुश्किल दौर में अगले कुछ महीनों के लिए खाद्य सुरक्षा कानून को सभी के लिए लागू कर दिया जाए, यानी सभी को निशुल्क या बेहद कम कीमत पर जरूरत का राशन मुहैया कराया जाए, ताकि वाकई में किसी के सामने भूखे पेट सोने की नौबत न आए। उत्तर प्रदेश के हरदोई से मोहम्मद आसिफ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। यूपी की ही एक और तस्वीर देखिए जहां गरीबों को राशन नहीं मिल पा रहा है। ये मामला जालौन का है, उत्तर प्रदेश के जालौन का, जहां राशन ना मिलने से परेशान महिलाओं ने तहसील का घेराव किया। महिलाओं का आरोप है कि अफसर समस्याओं को नहीं सुन रहे हैं, जिससे लॉकडाउन के दौरान उन्हें भूख का सामना करना पड़ रहा है। राशन लेने आए थे, बोले यहाँ राशन बढ़ रहा है, राशन हमारे कट गया है, तो हम आए थे का खाएं, हम परेशान हैं, राशन पानी बढ़ रहा हो तो सबके मिल गाओ, हमें नहीं मिलो। कब से आप आ रहे हो, कितने लोग हैं? हमें 8-10 दिन होगा जब से हम आ रहे हैं, नहीं मिल रहा हो। राशन कार्ड की जो पूरी व्यवस्था है, वितरण प्रणाली है, इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं। हमारे साथ अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और राइट टू फूड के साथ जुड़ी हुई हैं दीपा सिन्हा जी, उनसे फोन पर जानकारी लेते हैं। दीपा सिन्हा जी, क्या व्यवस्था होनी चाहिए और ये कोरोना से हम सबको क्या सबक मिलता है जहां तक राशन कार्ड की व्यवस्था की बात है? देखिए, पहले जो व्यवस्था है हमारे यहाँ वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत इस देश में ग्रामीण इलाकों में 75% और शहरी इलाकों में 50% जनसंख्या को राशन कार्ड राशन की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ये 2011 के सेंसस के हिसाब से इसके आंकड़े बने हैं और पिछले 10 साल में जनसंख्या बढ़ी है, इसके चलते भी बहुत लोग अभी जिनको वैसे मिलना चाहिए लेकिन उन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो बाद में पैदा हुए हैं, शादियां हुई हैं, महिलाएं अलग गांव में गई हैं, इन सबके पास कार्ड नहीं है। और उस पुराने सिस्टम के तहत भी बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स और अलग अलग लोग हैं जो छूट गए इन लिस्ट से। और इससे सबक यही मिलती है जो पहले से हम सब लोग कहते आ रहे हैं कि ये जो बेसिक सर्विसेज होती है इनको यूनिवर्सल होना चाहिए, वही तरीका है जिससे हम गारंटी सकते हैं कि ना छूट। अब ये बताइए कि कोरोना को लेकर जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जो पैटर्न है, ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत जल्दी ये समस्या निपटने वाली है। ऐसे में किस तरह की चुनौती देख रहे हैं आप? खाद्य भंडार तो है लेकिन जरूरतमंदों तक सामान नहीं पहुंच रहा, ये किस तरह का विरोधाभास? जी, तो कोरोना जैसे आपने कहा, ये तो लग नहीं रहा है कि ये 21 दिन का सवाल है, ये कुछ महीनों तक इसका इम्पैक्ट तो दिखने वाला है। अगर लॉकडाउन उठ भी जाए तुरंत लोगों को रोजगार नहीं मिलने वाली है, और ये जो एक क्राइसिस आई है इकोनॉमिक, इसके लिए कुछ महीनों तक लोगों को सपोर्ट की जरूरत होगी। हमारे SCI के गोडाउन में अब लगभग 78 मिलियन टन के अनाज है,
तो हमें वो सिस्टम तय करना है कि कैसे हम लोगों तक अनाज जल्द से जल्द पहुंचाएंगे। अभी जो अनाउंसमेंट आई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में, उसमें सिर्फ ये कहा है कि जिनके पास ऑलरेडी राशन कार्ड है उन तक हम पहुंचाएंगे। हमें ये खबर मिल रही है कि अभी तक हर राज्य में पहुंची नहीं है। ध्यान भी करना होगा, जिसको भी जो भी जरूरतमंद है वो राशन दुकान पहुंचे अपने नजदीक और किसी भी अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाए, वोटर आईडी हो, आधार हो, जो भी है उनके पास, उसके तहत उनको हमें राशन देना पड़ेगा कम से कम, मुझे लगता है अगले 3 महीने तक। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।